नरसिंहपुर के बरमान में नर्मदा तट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपनी यात्रा का समापन किया। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, भंडारा हुआ और कई धार्मिक आयोजन भी हुए। आयोजन के बाद घाट पर गंदगी भी देखने को मिली। दूसरे दिन ही बीजेपी सांसद प्रहलाद पटेल और स्थानीय विधायक संजय शर्मा नर्मदा के तट पर पहुंचे और नर्मदा की घाट की सफाई करने में जुट गए। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ नर्मदा में फैली गंदगी को साफ किया। इस दौरान प्रहलाद पटेल ने कहा कि सफाई करना एक आदत की बात है, सफाई अभियान चलाते रहे हैं। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह पर इशारों में निशाना साधा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि वो गंदगी से पूछकर सफाई नहीं करते कि तुम्हें फैलाया किसने है। हालांकि आयोजन करने वालों को सफाई के बारे में भी सोचना चाहिए था। यदि हम सीजनल करते हो तो हमसे सवाल पूछे, लेकिन ये जिम्मेदारी सबकी है। यदि हम कोई बड़ा कार्यक्रम करें तो वो भी इतना महत्वपूर्ण घाट प्रमाण है। ब्रह्मांड घाट पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। हर किसी को जो भी कार्यक्रम करते हैं उनको इस बात का भी संकल्प लेना चाहिए कि उठने के बाद सफाई की जिम्मेदारी भी हम ही संभालें। वो लोग जो खासकर अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं उनको करना चाहिए। ब्रह्मांड घाट पे जो भी कार्यक्रम बड़े होते हैं, चाहे संक्रांति का मेला लगने के पहले, मेला खत्म होने के बाद, ऐसे बड़े आयोजन यहाँ पर भंडारे के होते हैं, गंदगी काफी घाट पर हो जाती है। तो सफाई कार्य हम लोग शुरू से करते आए हैं। दिग्विजय सिंह का कार्यक्रम हो किसी और का, वो सब कुछ नहीं रहता। सफाई रहे हम लोग का ही उद्देश्य है।